नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे एनटीपीसी के द्वारा जारी किया गया ग्रेजुएशन पोस्ट की जो वैकेंसी है, उसमें बहुत सारे बच्चे लगातार फॉर्म भर रहे हैं। और आपके द्वारा जो आप बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, जो डाउट्स हैं, आपकी सेफ जोन को लेके, आपका मिनिमम कट ऑफ को लेके, और सबसे बड़ी बात है कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाए, आपके लिए कौन सा पोस्ट ज्यादा बेहतर है। आप अगर महिला संवर्ग से हैं, अगर आप कोई गर्ल्स कैटेगरी में हैं, तो आपके लिए कौन सा पोस्ट ज्यादा अच्छा है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, आपके लिए कौन सा अच्छा है। सैलरी ज्यादा चाहते हैं तो कौन सा है, आराम ज्यादा चाहते हैं तो कौन सा है, रुतबा ज्यादा चाहते हैं तो कौन सा है। इन सारी चीजों की जानकारी मैं एक एक करके आपको एक एक वीडियो में देता जा रहा हूँ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर के बारे में। तो अभी अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा और आप ये समझ पाएंगे कि अगर आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर की जॉब चाहिए, जो वन ऑफ द हाइएस्ट पेड जॉब है रेलवे की तरफ से अगर देखा जाए, मतलब यकीनन नीलम पील सैलरी है, और अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये पूरी वीडियो देखेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए सेफ जोन कट ऑफ और सैलरी के बारे में सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये नोटिफिकेशन आ गया है, इनके बारे में आपको पता होगा, 8113 पद आए हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं किसकी, गुड्स ट्रेन मैनेजर की। अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का है। आपको बता दें, इससे पहले जब वैकेंसी होती थी तो यहाँ पे गुड्स गार्ड की वैकेंसी होती थी, लेवल 3 पे होती थी, तो इनिशियल पोस्टिंग गुड्स गार्ड की तरह होती थी। लेकिन अब लेवल 5 की तरह हुआ है, 4200 ग्रेड पे की जॉब आपकी है, 29200 बेसिक पे है। लेकिन एक बहुत बेहतर चीज मैं आपको सैलरी में अभी बताऊंगा कि ये क्या है, ये आपकी रनिंग जॉब है, ये रनिंग जॉब प्रोफाइल है। इस कारण से आपके जो अलाउंसेस होते हैं इस बेसिक पे बाकी लोगों से 30% ज्यादा लगा के मिलता है, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, A2 का मैंने कल स्टेशन मास्टर वाले में भी समझाया था। मेडिकल की अलग से वीडियो भी बना दी गई है, आप इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में जाके आप NTPC फॉर्म फिलिंग के बोल सकते हो कि जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप देख सकते हो। A2 में बस आप इतना समझो कि दोनों आंखों का बिना चश्मा लगाए 6x9 6x9 होना चाहिए। इसमें कोई भी फॉगिंग टेस्ट नहीं है, नियर विजन 0.6 0.6 होना चाहिए, लेजर सर्जरी नहीं होना चाहिए, और विदाउट ग्लास 0.6 0.6, इस बात को समझिएगा। आपका कलर विजन, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। बाइनोकुलर टेस्ट भी आपको पास करना चाहिए, अगर आंखें तिरछी हैं तो भी आप नहीं कर सकते हो। नाइट विजन यानी कि अगर रतौंधी हो रही है तो भी आप इसे नहीं कर सकते हो। एंड मायोपिक आईज वाले भी इसे ध्यान से देखेंगे, ये भी आपका क्या होना चाहिए, टेस्ट पास होना चाहिए। तो A2 एक टफ कैटेगरी होता है, इसी कारण से गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर में दोनों पोस्ट की बात करूं जो सबसे ज्यादा सैलरी वाले पोस्ट है, लेकिन इसमें अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, छट जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा CBT 1 सभी पोस्ट के लिए सेम होगा, CBT 2 भी सभी पोस्ट के लिए सेम होगा। तो CBT 1 का कट ऑफ जो CBT 2 में जाने के लिए, उसका कट ऑफ इन दोनों पोस्ट के लिए हाई होता है, क्योंकि वहां पे कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगता। लेकिन क्योंकि स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट होता है और गुड्स गार्ड में आपका साइको टेस्ट तो नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से बच्चे छट जाते हैं। और दूसरी बात, इस जॉब में लड़कियां ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं, इस कारण से कट ऑफ थोड़ा नीचे आता है। तो हम लोग समझेंगे इसके बारे में सब कुछ। अगर 18 से 36 की उम्र है तो आप ये पूरा फॉर्म भर सकते हो। सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि 8113 वैकेंसी में 3144 वैकेंसी केवल गुड्स ट्रेन मैनेजर के, मतलब लगभग 40% वैकेंसी केवल आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिनको ये पसंद है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे जानते हैं क्या, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सैलरी। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि गुड्स ट्रेन मैनेजर एक ऐसी जॉब है जहां पे आप पहली ज्वाइनिंग में लाखों कमा सकते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, किलोमीटर अलाउंसेस मिलता है और लगभग 4.7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है, और औसतन अगर देखा जाए तो कम से कम 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर के बीच में ऑन एवरेज एक जो व्यक्ति होता है वो एक महीने में इतना दौड़ दौड़ जाता है ट्रेन के साथ, या ट्रेन के साथ वो चल लेता है। तो 5000 किलोमीटर का अगर आप देखोगे किलोमीटर अलाउंस, तो उससे 5 से गुणा कर दो तो लगभग 20 से 25 हजार मिनिमम एक्स्ट्रा रुपए बनता है। लेकिन ये डिपेंड है कि ज्यादा भी बन जाता है, और कई बार सैलरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर आप देखोगे तो ये सैलरी रेसिपी से मैं लगा चुका हूं, ये आपका 92,785 नेट पे है, यानी कि अगर आप ग्रॉस पे जाओगे, ये डिडक्शन के बाद है, ये 1 लाख प्लस आपकी सैलरी है, जो कि रेलवे की हाईएस्ट पेड जॉब में से एक है। आप ये पूरा देखेंगे तो यहां पे कौन सा है, ऑपरेटिंग NDSL स्टेशन, और ये पूरा मैंने इसीलिए लगा रखा हूं कि ग्रॉस पे 98,685 है,
डीए आपका या बेसिक पे 30,100 है, 30,100 इसलिए क्योंकि इस पे इंक्रीमेंट लगा है, वैसे 29,200 होता है। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूंगा, बस आपको रेफरेंस के लिए दिखा दिया था कि आपका कितना ज्यादा सैलरी इसमें मिलता है। आते हम लोग बता दें कि इस पोस्ट के साथ अच्छी बात यह है कि इसकी जो पोस्टिंग होती है यह केवल एक्स या वाई कैटेगरी में ही होती है। एक्स या वाई आपके सिटीज में होती है, मतलब जेड में नहीं होती है, तो अच्छे शहरों में होती है। तो आपके परिवार को आपको सुविधाएं अच्छी मिलती है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेते हैं और अच्छा सिटी है तो शॉपिंग मॉल वगैरह बाकी सारी चीजें हर चीज, एक लाइफ स्टाइल आपकी फैमिली की अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर ये फैमिली लेवल पे तो जॉब बहुत अच्छी है कि आपकी फैमिली को तो बहुत मजा है क्योंकि खूब ढेर सारा पैसा कमाएंगे, बढ़िया शहर में आप क्या करेंगे, बढ़िया शहर में आप नौकरी करेंगे तो बीवी बच्चे मौज करेंगे, खूब मौज करेंगे। लेकिन आप क्या करोगे, आप खूब लेबर करोगे, आप खूब फिजिकल वर्क करोगे, आप खूब ट्रेन में अपना पसीना बहाओगे और अपनी जान जोखिम में लगाए रहोगे। इस बात को समझो, यहाँ पे आप अपने जान पे खेल के, जान इन द सेंस की मतलब मेहनत ज्यादा करने की बात कर रहा हूँ, जान मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क हालांकि सेफ्टी भी कैटेगरी में आता है, लेकिन जान जोखिम मतलब कि आप अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा परेशान करके, ज्यादा से ज्यादा आप वर्क करके उस पैसे को कमाओगे, बीवी बच्चे मौज तो करेंगे ही, ये बात आप समझिएगा। स्टेशन सबसे अच्छी बात है कि ये बड़े स्टेशन या फिर जंक्शन पे ही पोस्टिंग होती है। इसमें क्या होता है, ब्रेकमैन या गार्डमैन में आपको काम करना होता है। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, 8 से 12 घंटे की ड्यूटी इसमें करनी पड़ती है, हालांकि 8 घंटे अलाउड है लेकिन कई बार खींच के ट्रेन लेट हो गई, कुछ भी हो गई, तो 8 से 12 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है क्योंकि आपको ट्रेन में रहना पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे पहले जब लेवल थ्री में गुड्स गार्ड होते थे तो जो पीछे वाले आप देखते हो, पीछे वाले डब्बे में जो सही से बोगी भी नहीं होती थी, केवल ऐसे एक बाहर से निकल के आते थे, एक व्यक्ति झंडा दिखाते थे, वो जो आपने देखा होगा वो जो पोस्ट होती है वो गुड्स गार्ड की होती है, वही आगे चल के गुड्स ट्रेन मैनेजर बनता था। लेकिन अभी रिसेंट में जब से CCCTS का एक नया वैकेंसी आई और इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज को मर्ज किया, ऐसे ही इन्होंने गुड्स गार्ड को लेवल थ्री का हटा के अब क्या कर दिया, सीधा गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया। क्योंकि पहले लोग गुड्स गार्ड होते थे, फिर गुड्स गार्ड में प्रमोशन होता था और प्रमोशन के बाद 42 ग्रेड पे आते थे, फिर उन्हें क्या बोला जाता था, ट्रेन मैनेजर बोला जाता था या गुड्स ट्रेन मैनेजर बोला जाता था, जो एक प्रमोशन के बाद होता था। अब सबसे अच्छी बात है कि उस पद पे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके आ सकते हो, अब आपकी वो पोस्ट क्या कर दी है, खत्म कर दी गई है, और यही कारण है इस बार इसकी वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा बढ़ के आई हैं। अब जब आप सीधा 4200 ग्रेड पे के, या आप ऐसे बोल सकते हो कि लेवल 6 के जॉब पे, लेवल 5 के जॉब पे आप जब सीधा आ जाते हो, तो लेवल 5 के आने पे आपकी सैलरी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि ये रनिंग स्टाफ है, तो रनिंग स्टाफ के कारण कि आपके जो अलाउंसेस होते हैं, जो अलाउंसेस जो भत्ते होते हैं, वो अलाउंसेस जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका डीए हो गया, जैसे आपका एचआरए हो गया, ये सारी चीजें आपका क्या होता है, बेसिक पे जो होता है, बेसिक पे तो होता है लेवल के हिसाब से, और उसमें आपका 30% और इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इस पे आपका क्या लगता है, इस पे आपका डीए एचआरए सब लगता है, इस कारण से अलाउंसेस आपको ज्यादा मिलने लगते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके आपके जॉब का कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप सुबह बुलाए जा सकते हो, शाम को बुलाए जा सकते हो, आधी रात को बुलाए जा सकते हो, एकदम मॉर्निंग में बुलाए जा सकते हो, एकदम दोपहर में बुलाए जा सकते हो, मतलब कि कोई फिक्स जॉब नहीं है, कभी भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। और ये कारण है कि आपके स्लीप साइकिल को, आपके लाइफ स्टाइल को सबसे ज्यादा रिव्यू करना है, पता लगे आप अभी प्लान बना रहे हो कि आपको अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, जाना है मूवी देखना है, जाना है कुछ काम करना है, फैमिली के लिए कोई जरूरी काम करना है, और आपका कॉल आ जाता है, आपका रोस्टर बन जाता है कि आपकी ड्यूटी लग गई है, अब आपको वो जरूरी काम छोड़ के आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस कारण से क्या होता है, नो फिक्स टाइम होता है, तो थोड़ा सा ये टफ, थोड़ी सी टफ जॉब होती है। और दूसरी बात, क्योंकि एक ट्रेन के डब्बे में होता है, ये मालगाड़ी भी हो सकती है जो गुड्स ट्रेन होती है, या फिर आपका जो पैसेंजर ट्रेन है, तो इन सब में आपकी नौकरी लगती है, सब में आपको जॉब करना पड़ता है। और महिलाओं के लिए आप एक बार थोड़ा सा इमेजिन करिए कि कोई महिला एक मालगाड़ी में, जो सबसे पीछे डब्बे है, जहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, जहां पे टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, जो ट्रेन के इंजन से कम नहीं तो 300 मीटर दूरी पे वो डब्बा है, कहीं आउटर पे वो ट्रेन रुकी हुई है या कहीं सुनसान जगह पे चल रही है, और पीछे एक महिला उस डब्बे में बैठी हुई है जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की जॉब कर रही है, कितना टफ उसके लिए जॉब होगा, कितना डरावना उसके लिए जॉब होगा, जहां पे ना खाने को, ना पीने को, ना सही से कोई सामान होगा, और गर्मी कम मौसम में गर्मी झेलेगी, ठंडी के मौसम में ठंडी झेलेगी। तो ऐसे में लड़कियों के लिए ये जॉब क्या होता है, बहुत ही मतलब कि कठिनाई भरा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नई नई लड़कियां बिल्कुल जॉब करें ना, इसे भरे ही ना,
वो लड़की जो कहती है कि नहीं मैं रफ टफ सिचुएशन में किसी में भी रह लूंगी, मुझे भी पैसा कमाना है, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, इस वाले अगर फिलोसफी पे आप चलते हैं कि नहीं खूब सारा पैसा कमाना है, हम अपने शरीर को मेहनत कर लेंगे, हम सारी सिचुएशन से डील कर लेंगे, हम झांसी की रानी टाइप के हैं, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ। बट क्योंकि हमारी सोच होती है, हमारी बहनों की, हम सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा सेफ्टी दिया जाए, उन्हें ज्यादा परेशान ना किया जाए, तो इस बिहाफ पे मैं बोलता हूँ कि बहनों के लिए ये बहुत अच्छी पोस्ट नहीं है। लड़कों के लिए हालांकि आपको पैसा कमाना है, फैमिली के लिए भरना है, बैंक बैलेंस बनाना है, तो भैया रेलम पेल सैलरी आप आराम से इसमें कर सकते हो। गुड्स टीम मैनेजर, और सबसे अच्छी अब इसमें बता दूं कि इसमें क्या होता है, जैसे आप 2 साल की या 3 साल की जॉब कर लोगे तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जॉब स्विच हो जाता है। स्विच मतलब कि आप गुड्स टीम मैनेजर से स्टेशन कंट्रोलर भी हो जाते हो। जैसे मेट्रो वगैरह में एक जॉब होती है SCTO, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, तो वो ट्रेन भी ऑपरेट करते हैं, वो स्टेशन भी कंट्रोल करते हैं। ऐसे आपका क्या होता है, इसमें रेलवे में आपका जो होता है इंडियन रेलवे में, इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर भी 2-3 साल जॉब करके वो स्टेशन कंट्रोलर हो सकता है। थोड़ा बहुत इसकी प्रोफाइल क्या होती है, स्टेशन मैनेजर की तरह होती है। तो ये इसी कारण से जो आपका A2 मेडिकल है, वो इसी कारण से दोनों के मेडिकल स्टैंडर्ड इसी कारण से सेम रखा गया है। इसका काम क्या होता है, इंस्पेक्टर ट्रेन भी TLP, जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उनके साथ पूरे ट्रेन का निरीक्षण करना होता है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। साथ में जो होता है इनको सिग्नल को एक्सचेंज करना होता है स्टेशन मास्टर वगैरह इनके साथ में, कई सारे रिकॉर्ड कि ट्रेन कितना चली है, कितना सारी चीजें हैं, इनका रिकॉर्ड भी मैनेज करना होता है, जो स्टेशन मास्टर सबको देना पड़ता है, सभी चीज का सुपरविजन करना पड़ता है। और ये पैसेंजर ग्रीवेंस इनका नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, ये सारी चीजें इनको करना पड़ता है, तो इस चीज को समझिएगा, सुपरविजन वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इन्हें देखना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे, अगर इनके सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि अगर मैंने बोला कि अगर पैसा कमाना है तो इससे बेहतर आपके लिए कोई पोस्ट नहीं है रेलवे में। क्यों? क्योंकि आप समझिएगा कि ये आपका क्या है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये लेवल 5 की जॉब तो है, 29,200 बेसिक सैलरी है, लेकिन आप देखोगे 29,200 का अगर DA 50% माना जाए तो 14,600 होगा, लेकिन इसका 18,980 मैंने लिखा है। क्यों? क्योंकि आप समझिए 29,200 जो इसका बेसिक पे है, इसमें 30% क्या होता है, 30% एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि इसमें ये 30% एक्स्ट्रा होगा तो 130% हो जाएगा, और इसका 130% अगर हम लोग करेंगे तो लगभग 10,000 रुपया और बढ़ जाता है, यानी कि लगभग 40,000 के आसपास हो जाता है। 40,000 का 50% जो हम लोग देखते हैं तो ये आपका लगभग 20,000 के आसपास आ जाता है, इसलिए मैंने 18,980 यानी कि 19,000 एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके किया है। तो बाकी से आपका क्या होता है, इसमें 30% एक्स्ट्रा। क्यों 30% लगता है? क्योंकि ये आपकी जॉब जो है ये रनिंग जॉब है, यहाँ पे आपको ट्रेन के साथ चलना पड़ता है, इस कारण से यहाँ पे आपका जो डीए होता है बढ़ता है। सिमिलरली एचआरए भी क्या होता है, एचआरए में भी ये बढ़ के आता है 11,388, 7,595, 3,796, ये आपका XYZ सिटीज के हिसाब से होता है, क्योंकि जेड सिटी नहीं होता है तो यहाँ पे आपको क्या होता है केवल एक्स और वाई का 11,388 और 7,592 मिलता है। आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है एक्स सिटी का 5400 और YZ का आपका वाई का 2700 मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है, मतलब अगर आप किसी काम से जा रहे हो ऑफिस के तो यहाँ पे आपको ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है 625 रुपए पर डे के हिसाब से मिलता है, ये 625 रुपए पर डे के हिसाब से। किलोमीटर अलाउंसेस जो होता है मेरे ख्याल से ऑन एवरेज देखा जाए तो 20,000 से लेके 30,000 तक तो एवरेज बनता है, और मैक्सिमम लिमिट लगभग 50,000 बन जाती है, मिनिमम से मिनिमम आपकी 15,000 ये आपका क्या होता है किलोमीटर अलाउंस बनता ही बनता है, मतलब आप कुछ नहीं करोगे तो भी 15,000 आपको इतना तो देना ही चलना ही पड़ेगा कि 15,000 आपका बन जाए। और थोड़ा ज्यादा आप पैसा कमाने सोचते हो, अपनी ड्यूटी सोचते हो कि सेटिंग कर लेते हो कि भैया हमारा रोस्टर लगा दो हम चले जाएंगे, थोड़ा लंबी ट्रेन वाले में लगा दो हम चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका 50,000 तक बन जाता है। और ये सब उसके बाद सेल अलाउंस, क्योंकि आपको एक टॉर्च दिखाना होता है तो उसमें सेल पड़ते हैं, बैटरी पड़ती है, उसके अलाउंसेस, लीव अलाउंसेस मतलब कि जैसे नेशनल हॉलीडे होता है तो अगर आप नेशनल हॉलीडे में छुट्टी नहीं ले रहे हो तो उसका आपको पैसा मिलता है, तो 590-596 के आसपास मिलता है। नाइट ड्यूटी होती है क्योंकि नाइट ड्यूटी का है तो नाइट ड्यूटी का अलाउंसेस मिलता है, और इसमें आपको ड्रेस अलाउंसेस भी मिलता है, तो ये सब मिला के जो आपका ग्रॉस है ये 95,000 पहुंच जाता है ऑन एवरेज, और अगर नेट का भी देखा जाए तो 90,000 के आसपास आपका बनता है। और मैंने आपको ये सैलरी भी दिखाई, सैलरी स्लिप भी दिखाई थी कि अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 92,785 रुपए, इसी का मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाया है कि सबसे ज्यादा ये पेड आपकी जॉब है। फैसिलिटीज की बात करें तो फैसिलिटीज इसमें आपको रेलवे क्वार्टर टैक्सी मिलता है, रेलवे हॉस्पिटल मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए सारे भत्ते वगैरह मिलते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहती है। अब आते हैं बात कि अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको सबसे बेहतर आपका जोन क्या होना चाहिए, कहां से हम लोग फॉर्म भरे कि हमें गुड्स गार्ड का मिल जाए।
तो इस बात को समझने के लिए आप इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान दोगे, मेरी वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे मैं इस पॉइंट्स को क्यों दिखाता हूं, क्यों बताता हूं। और आते हैं हम लोग एक नजर डालते हैं किस पे, हम लोग नजर डालते हैं कि टोटल वैकेंसी, और टोटल वैकेंसी किसके वाइज डालते हैं हम लोग इस पे पोस्ट के वाइज। तो ये गुड्स ट्रेन मैनेजर की क्या है, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है, ये आपका जोन है। कोलकाता में टोटल 1382 वैकेंसी है, और लेकिन यहाँ पे 220 ही वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है और स्टेशन मास्टर की 68 ही है। मैं स्टेशन मास्टर साथ में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम है, बस स्टेशन मास्टर में आपको साइकोटेस्ट भी होगा और यहाँ पे दोनों का मेडिकल सेम है, और मेडिकल सेम होने की वजह से इसमें सेम प्रकार के बच्चे जाते हैं। अब आपके लिए बेस्ट जोन क्या होगा, मैंने आपके लिए लेके आया है पूरा, आप भारत के नक्शे पे समझोगे, बस एक चीज समझना कि यहाँ पे ये चीज गलत लिखा है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मालदा हो जाएगा, यहाँ पे जहां सिलगुड़ी लिखा है, और सिलगुड़ी जहां पे लिखा है इसे मालदा जहां लिखा है इसे आप सिलगुड़ी कर देना, थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है, और गुवाहाटी आपका लगभग यहाँ पे है, इस प्रकार के जोन आपका बनाया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसे अगर थोड़ा सा समझेंगे, तो मैंने बोला है कि ये स्टेशन मास्टर नहीं, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर है, ये क्या है, स्टेशन मास्टर नहीं, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर है। तो अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका कौन सा सेफ जोन है, ठीक है, कौन सा सेफ जोन है, तो भुवनेश्वर को मैंने क्या किया है, नंबर एक दिया है। भुवनेश्वर का नंबर एक क्यों दिया है, क्योंकि आप देखोगे तो भुवनेश्वर में क्या है, आपकी 586 वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, जिन बच्चों का सपना यह है कि मुझे गुड्स ट्रेन मैनेजर चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए, तो आपके लिए भुवनेश्वर से अच्छा जोन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं है। सबसे ज्यादा कंपटीशन देने वाले तीन पद होंगे, एक गुड्स ट्रेन मैनेजर के, एक स्टेशन मास्टर का, और एक तीसरा होगा आपका CCCTS। इन तीन पद के बच्चे आपको कंपटीशन सबसे ज्यादा देंगे और यही इन तीन पोस्ट की कट ऑफ बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि इस जोन में स्टेशन मास्टर की एक भी वैकेंसी नहीं है, तो ऐसा बच्चा जिसका ड्रीम स्टेशन मास्टर है या वो चाहता है कि मेरे स्टेशन मास्टर लग जाए, वो बच्चा भुवनेश्वर से फॉर्म नहीं भरेगा, और ऐसे कारण से ये आपका जोन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि ये इसका अगर वर्किंग प्रोफाइल देखा जाए तो लड़कियों के लिए थोड़ी मतलब बेकार जॉब है, अच्छी जॉब नहीं कह सकते, थोड़ा रोबस्ट जॉब है, इस कारण से लड़कियां अप्लाई नहीं करेंगी। तो इसका मतलब कि यहां पे कंपटीशन क्या होने वाला है, न्यूनतम होने वाला है, और वैकेंसीज भी कम नहीं है। कोलकाता से मैच करा लोगे तो मात्र 500-600 का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्या हो जाएगा, गुड्स ट्रेन मैनेजर का भुवनेश्वर नंबर एक जोन आएगा। और दूसरे नंबर पर मैंने क्या दिया है, दूसरे नंबर पर आपको दिया है बिलासपुर। आप बिलासपुर की बात करोगे तो बिलासपुर में क्या है, 434 यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्टेशन मास्टर की कम है, और क्योंकि लड़कियां नहीं भरती हैं, इसलिए अगर आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर चाहिए तो आपके लिए ये दो जोन सबसे बेहतर जोन में से है, और ये वो टॉप जोन भी नहीं है जहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म आने वाले हैं। तो अगर मेरी आप लॉजिक समझ पा रहे होगे तो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर की ही जॉब कन्फर्म चाहिए तब आपको ये करना होगा। अच्छा एक बात समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है, ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा, आपको फॉर्म एक ही भरना है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है। बात समझ में आ गई, आपको फॉर्म एक ही भरना है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है। तो इस कारण से आप ध्यान दीजिएगा कि आप एक ही पोस्ट में सारे फॉर्म को चुनेंगे। आप सपोज करिए कि अगर आप भुवनेश्वर से भरते हैं तो पहले पे आप प्रायोरिटी देंगे ये, दूसरे पे प्रायोरिटी देंगे आप CCTS का, CCTS का दूसरा प्रायोरिटी देंगे, तीसरा प्रायोरिटी आप स्टेशन मास्टर है नहीं तो ये दे दोगे JACT का, और चौथा आप दे दोगे SCCT का। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इस प्रकार से आप पोस्ट प्रेफरेंस अपना भरोगे अलग अलग जोन में। ऐसे मैंने बिलासपुर का बोला तो बिलासपुर में 434 है, इसे नंबर एक दोगे, नंबर दो आप स्टेशन मास्टर को दे दो, नंबर तीन आप CCCTS को दे दो, या इन दोनों में से जो आपको पसंद है उसे दे दो, चौथे आप क्या दे दो, आप JACT को दे दो, और पांचवा पोस्ट प्रेफरेंस इसे दे दो। ऐसे मैंने तीसरे नंबर पर किसे डाला, मुंबई को डाला। मुंबई भी आप देखोगे तो मुंबई क्योंकि दूसरे नंबर पे हाईएस्ट वैकेंसी जॉब है, और अगर आप मुंबई को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मुंबई में वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। मतलब अगर आपकी सोच ऐसी है कि भाई मुझे गुड्स ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर में से दोनों में से कोई एक पोस्ट कंफर्म मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट जोन फिर हो जाएगा मुंबई। तब आप नंबर एक पे मुंबई आप भरिए, मुंबई जोन से जरिए, नंबर एक पे गुड्स ट्रेन मैनेजर, दूसरे पे स्टेशन मास्टर, तीसरे पे CCCTS, और फिर आपका JACT और आपका SCCTC, या आपका क्या कर सकते हो, अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे। मुंबई के बाद अगर हम लोग बात करें, हमने बोला सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद में भी अगर आप देखोगे तो सिकंदराबाद में आपका क्या है, सिकंदराबाद में आपका 288 पद है, और इसमें इसे मैंने ब्लू जोन में रखा है। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख पा रहे होगे तो समझ पा रहे होगे कि ब्लू जोन में उनको दिया हूं जिनको अपना जोन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने जोन से ही फॉर्म भरो। रेड
जोन वाले रेड वाले वो हैं जिनको जोन चेंज करने की आवश्यकता कंफर्म है। जैसे अगर आप पटना और मुजफ्फरपुर को देखोगे, अगर आप यहां से फॉर्म भरोगे तो यहां पे मैक्सिमम चीजों की वैकेंसी नहीं है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। अब आप समझना कि अगर मुजफ्फरपुर पटना को देखें तो सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला बच्चा यहां पे है, प्रयागराज को देखें सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला बच्चा यहां पे है। तो अगर हम लोग और भी जैसे देखें जो अजमेर हो गया, अजमेर की बात करें तो सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला बच्चा यहीं पे। तो ऐसी जगह पे स्टेशन मास्टर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जो सिमिलर टाइप के पोस्ट है, इनकी वैकेंसी बिल्कुल गायब है। मतलब पटना का बच्चा, मुजफ्फरपुर का बच्चा अपने जोन में फॉर्म भरेगा ही नहीं, और सबसे ज्यादा कंपटीशन देने वाला बच्चा भी यही है, तो ये मूव करके आएगा इस ग्रीन वाले जोन में, और इसे जो सबसे नजदीक और सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला दिखेगा वही वहीं पे ताबड़तोड़ मतलब जितना हो सकता है झोंकम झोंक क्या कर देगा, फॉर्म भर देगा। तो इस कारण से आप समझिएगा कि यहां पे जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन देने वाले जोन है वो कहां पे आएंगे, या तो कोलकाता आएंगे, या तो मुंबई आएंगे, या तो भुवनेश्वर आएंगे, बिलासपुर, गुवाहाटी, इन्हीं जोन में से सबसे ज्यादा आएंगे। लेकिन क्योंकि गुवाहाटी में गुड्स ट्रेन मैनेजर का पद है ही नहीं, बहुत नाम मात्र है, इस कारण से गुवाहाटी इनकी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। तब आपको क्या करना है, इन्हीं चार ऑप्शन बचता है, और चार ऑप्शन में से मैंने आपको बता दिया, और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करेंगे। अब आप जिस जोन से चूज कर लो, आप ये भी देखो कि क्या आपकी कैटेगरी में पोस्ट है कि नहीं। तो मैंने कैटेगरी वाइज पूरा आपका ये बना दिया है। आप देखो, जैसे हमारे मान के चलो कि कोई एसटी वाले भाई है या कोई ओबीसी वाले भाई है, आपने कहां से भरना प्रयास किया, आपने भुवनेश्वर से भरा, आपने देखा कि ओबीसी के लिए 199। अब ओबीसी के लिए 199 मतलब ये नहीं कि 199 ही है, 199 तो आपका हाई है, साथ में आप अनरिजर्व वाले में भी तो जाओगे, तो ये भी आपका 328 भी आप ही का है, ये किसी और की वैकेंसी नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये अनरिजर्व, अगर आपका नंबर ज्यादा जाता है तो आप अनरिजर्व में काउंट हो जाओगे, वरना ओबीसी का तो 199 सीट आपकी रिजर्व हाई है। तो अगर ओबीसी वाले भाई होंगे तो ये देखेंगे कि आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है कि नहीं। अब वो कैसे देखोगे, तो वो देखने के लिए आपको आना पड़ेगा वैकेंसी चार्ट में। वैकेंसी चार्ट कहां मिलेगा, वो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। लेकिन ये चीज समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझा दूं कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से इस वक्त टीम परीक्षा प्लस से ज्यादा बेहतर कोई टीम है नहीं। मिनिमम प्राइस मतलब कि मात्र 199 में आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस, सारे उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको बुकलेट नोट्स, साथ में अगर मैं बात करूं तो आपको जो क्लास की नोट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, साथ में अगर आपको ई बुक चाहिए, जो आपको किताबें सबसे ज्यादा सर्च करते हो, जैसे ये किताबें सबसे ज्यादा सर्च करते हो, ये भी आपको परीक्षा प्लस ऐप में ई बुक सेक्शन में 20-30 रुपए में मिल जाएंगे। ये सब कुछ आपको परीक्षा प्लस ऐप पे मिलने वाला है। एक बहुत बेहतरीन टीम, इंजीनियर्स की टीम, सारे सिलेक्टेड लोगों की टीम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा विकल्प ही हो सकता। और अगर आप फ्री में प्रैक्टिस की तैयारी करना चाहते हो, शाम को 6 बजे साइंस, 7 बजे आपकी जीके जीएस, 8 बजे मैथ्स रीजनिंग, ये आपकी परीक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे से आपकी रेलवे की क्लासेस चलती है। तो यहाँ पे आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके, पेड कोर्स में जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद ये सारा चीज आपका ओपन हो जाएगा। आते हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपको जैसे भुवनेश्वर से आपको भरना, आप भुवनेश्वर पे एक बार आते हैं, ये भोपाल हो गया, ये बेंगलुरु हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये भुवनेश्वर हो गया। और भुवनेश्वर में देखे तो मैं ओबीसी वाले भाई की बात कर रहा हूँ, तो ओबीसी वाले भाई देखेंगे कि क्या गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है। हाँ भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, 157 वैकेंसी 199 में से 157 वैकेंसी केवल गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। इसका मतलब कि आप के लिए भुवनेश्वर से बढ़िया पोस्ट तो कोई, भुवनेश्वर से बढ़िया जोन को तो है ही नहीं। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूं कि आपको उस जोन का सिलेक्शन करना है जहां पे आपके लिए पद ज्यादा है। जैसे अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे गुड्स ट्रेन मैनेजर के कितने हैं, ओबीसी के लिए 103 यहां पे भी ठीक ठाक पद हैं। तो ये इसीलिए आपको क्या बनाता है, आपका ये जोन जो मैंने आपको बताया था बहुत सोची समझी और बहुत बमपिलाट एनालिसिस के साथ आपको मैंने दिया है कि एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हो सकता है वीडियो 2-3 मिनट आपकी लंबी हो जाए, लेकिन जब आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो यकीन मानो कि आप बिल्कुल बिल्कुल मस्त हो जाओगे कि हाँ भाई मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। बाकी केवल फॉर्म भर देने से सिलेक्शन नहीं होता, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब जानता है इस बात को कि सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको यह सिलेबस कवर करना पड़ेगा। इस सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए आप परीक्षा प्लस के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक अवश्य कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। साथ में आप परीक्षा प्लस ऐप अभी डाउनलोड करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको इससे संबंधित जो भी वीडियो चाहिए, जो भी कंटेंट चाहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और बाकी जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी बातें मुझसे कह सकते हो। आपका बड़ा आपकी तैयारी, आपका मार्ग, आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और मैं करता रहूंगा, ये आपसे वादा भी है।
आपसे वादा है अगर आप कोर्स से जुड़ते हो तो एक भी सिंगल तिनका भर की लापरवाही नहीं होगी, एक तिनका भर का रोड़ा नहीं आपके सफलता के मार्ग में नहीं आएगा जो आपको सफलता से दूर कर दे। मैं वो सारे संभव प्रयास करूंगा अपनी टीम के साथ कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन आपको भी वादा करना पड़ेगा, हाँ सर जितना पढ़ाएंगे वो सब कुछ मैं कवर करता हुआ चलूंगा। इसी के साथ सेशन को एंड करूंगा, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।